अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। कभी दहेज के नाम पर तो कभी लिंग भेदभाव, न जाने कितनी ही बहुओं और बेटियों को प्रताड़ित करता रहा है ये समाज। बात अगर सरकार की करें तो महिला की सुरक्षा और उनके अधिकार सबसे बड़ा मुद्दा होते हैं सरकार के लिए। बड़े बड़े वादे भी किए जाते हैं लेकिन नतीजा क्या? फिर कोई नया मामला सामने आता है और सरकार के तमाम वादों और दावों की धज्जियां उड़ जाती हैं। आज फिर एक बार एक बेटी जो किसी के घर की बहू भी है प्रताड़ना का शिकार हो रही है और सवालों के घेरे में है केजरीवाल सरकार। जी हाँ, ताजा मामला दिल्ली के देवली का है जहाँ एक महिला लगभग 10 दिनों से अपने ही ससुराल के बाहर धरने पर बैठी है। साथ में 3 मासूम बच्चे भी हैं जिनकी आंखें उनकी मासूमियत और लाचारी को बयां कर रही हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह वो महिला चीख चीख कर अपने ससुराल वालों पर आरोप लगा रही है कि उन्हें उनके घर से बाहर निकाल दिया गया है। इतना ही नहीं, प्रशासन भी इस मामले पर अपनी आंखें मूंद कर बैठा है। ये हम नहीं कह रहे बल्कि इसी महिला का कहना है, आप खुद ही सुनिए। 7 दिन से मैं यहीं पे बैठी हुई हूँ। तो मैम घर से निकालने का रीजन? ये तो उनसे पूछो ना, ये तो मुझे भी नहीं पता। अच्छा मैम, आप जब एक हफ्ते से यहाँ बैठे हैं तो ये छोटे छोटे बच्चों के साथ में आप कैसे यहाँ गुजारा कर रहे हैं? आप देख रहे हो, आपके सामने ऐसी गुजारा कर रही हूँ बस। आपके हस्बैंड भी थे यहाँ पर? वो सर 1 साल से गायब है, मुझे नहीं पता वो कहाँ है। एक साल में 2 दिन वो मेरे साथ रहे, फिजिकली इंटीमेट हुए, उसके बाद ये बेबी कंसीव हो गया। अब इसे भी वो ये कह रहा है मेरा नहीं है, यानी कि फिर तो ये 2 बच्चे भी उनके नहीं होंगे। लेडीज पे जब मर्द हर तरह से हार जाता है ना, उसके करेक्टर पे ही उंगली उठाता है। अगर मैं गलत होती, बहुत ऑप्शन होते हैं लेडीज के लिए, मैं आज यहाँ नहीं बैठी होती। तो मैम आपकी क्या डिमांड है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा डिमांड सिर्फ ये है, रोटी कपड़ा मकान। और ये जो औरतों के लिए कोर्ट कचहरी बनाई है ना, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब ये बताइए, मुझे खाने के लिए रोटी नहीं मिल रही, रहने के लिए छत नहीं, मैं बच्चों के साथ रोड पे पड़ी तड़प रही हूँ, मैं कोर्ट कचहरियों के धक्के खाऊं? वकील 50-50 हज़ार रुपए मांगते हैं, क्या कहां से तुम्हें उन्हें 50-50 हज़ार रुपए? मोदी सरकार के का जो नारा देती है मोदी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मत करो इस नारे को बिल्कुल नहीं लगाना। मैं तो ये कहती हूँ भ्रूण हत्या करो, बेटियों को जन्म मत दो और न बेटियों को शिक्षा ज्ञान दो कि वो अधिकार के लिए लड़े, पेट में ही मार दो बेटियों को। और ये सही है, इन्हें सिर्फ बेटे चाहिए, आगे बेटे कहाँ से मिलेंगे? हम जैसी बेटियाँ बहुएं ही लाती हैं, इन्हें बेटे जब ही मिल रहे हैं। जब बेटियाँ नहीं होंगी, बहुएं नहीं होंगी, तो बेटे कहाँ से मिलेंगे? चाहिए पोते भी, चाहिए बेटे भी, लेकिन बहू बेटी नहीं। बेटी हो गई, अरे बेटी हो गई कैसे करेगी, क्या होगा? तभी हमें टॉर्चर किया जाता, हमारी गलती है ये बेटी हो गई। और बेटी होना क्या गुनाह है? बेटी नहीं होगी तो बेटी आगे बेटे कहाँ से मिलेंगे? तो मैम आपको टॉर्चर भी करते हैं ये लोग? बिल्कुल, हर तरह से फिजिकली मेंटली हर तरह से टॉर्चर किया गया है। टॉर्चर से मतलब मारते पीटते भी हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे हस्बैंड ने भी मार पिटाई की है, ससुर ने भी मार पिटाई की है, और मेरी सास नंदे भी करती हैं। 50 लाख रुपए ले लो ये कहते हैं, 50 लाख रुपए ले लो मेरे पियर वालों को और इसकी कहीं और शादी कर दो, कहीं और बिठा दो। तो ये बच्चे जो इनके कहाँ बना रखा है? ये हमारी बेटियों की इज्जत नहीं है, बहुओं की इज्जत नहीं है, इनके लिए तो खिलवाड़ है। आज यहाँ बिठा दो, आज वहाँ बिठा दो। इस वीडियो में महिला ये दावा कर रही है कि उसके ससुराल वाले प्रशासन पर दबाव बना रहे हैं ताकि महिला की सुनवाई ना हो सके। लेकिन इस सब में मासूम बच्चों का क्या दोष जिनके परिवार ने उन्हें इस तरह लाचार बना दिया है, खाने को खाना तक नहीं दिया। महिला के अनुसार उनके आस पड़ोस में रहने वाले लोग उनके खाने पीने का इंतजाम कर रहे हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि धरने पर बैठी ये महिला अपने पति पर भी आरोप लगा रही है। महिला का कहना है कि लगभग 1 साल से उसके पति गायब है और उसे मिलने तक नहीं आए, और अब उसकी गैर हाजिरी में उसके ससुराल वालों ने उसे और उसके बच्चों को घर से निकाल दिया। गौरतलब है कि महिला के ससुराल वाले एक स्कूल के संचालक हैं और स्कूल में पढ़ाते भी हैं, बच्चों को अच्छे बुरे का फर्क समझाते हैं, सही गलत की सीख देते हैं। पर अगर उस महिला की कही हुई बातें सही हैं, तो क्या ये सीख महिला के ससुराल वालों पर लागू नहीं होती?
जो अपने ही बच्चों को बेसहारा बना रहे हैं। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा सवाल उन बड़े बड़े दावे करने वाली सरकार पर है, जिनकी जानकारी में ये सब हो रहा है और प्रशासन है कि सुध तक नहीं ले रहा। मैं आज जितने भी अपने चैनल इस बहन के दर्द को समझकर इसकी पावर बन के उतरे हैं, उन सबका दिल से धन्यवाद करती हूँ। इनकी आवाज़ बुलंद होनी चाहिए, हर रहनी चाहिए, आगे तक बुलंद रहनी भी चाहिए। या तो नारी जन्म ही ना ले, जन्म ले तो नारी चंडी दुर्गा चंडी का रूप लेके पूरा अपना जीवन में व्यतीत करे। साधारण एक सीधी सादी औरत को कोई जीने नहीं देता। लक्ष्मी माता पूजी शरीर इतनी है, ये बच्चे को जैसे उन्होंने पाले, अपने बेटे को पाले, जैसे शिक्षा दिया, अगर ये बहू उनकी सही नहीं है तो इनको भी उसी शिक्षा दीक्षा में सही से रखे, उनको समझाए हमारी फैमिली है कि हमें कैसे रहना है, कैसे करना है, ना कि ये करे कि तुम मेरे घर से निकलो। ऐसे तो बहुत सारे इनको देख के ये बस्तियाँ ऐसे होती जाएगी, हर महिला ऐसे जिंदगी जीती जाएगी, ये नहीं होना चाहिए। इनके साथ न्याय हो और सबसे ज्यादा इन बच्चों के साथ न्याय हो। ये मासूम उनको दिखाई नहीं देता है। अगर स्कूल में एक टीचर एक बच्चे को मारते हैं तो मालिक बोलते हैं कि नहीं ऐसे नहीं मरना चाहिए, इसको शिक्षा दो बेटा, इसको सही से। क्या ये बच्चे ऐसे सो रहे हैं, ये बच्चे भूखे मर रहे हैं, उनको अच्छा लगता है क्या? उनको बुलाइए प्लीज, उनको बोलिए कि वो क्या बोल रहे हैं। ये तो सब बोल दी ना, लेकिन हमने उनका नहीं सुने हैं, हम उनका जानना चाहते हैं। हम इनसे सुने हैं, इनसे सुने हैं, इनसे सुने हैं, इनसे सुने हैं, तो हम अभी उनको आरोप नहीं लगा सकते, ना हम लगा सकते, ना आप लगा सकती हो। वो आए, वो अपना मुँह से बोले कि मेरी इन लोगों का ये गलती, इनका ये मासूम का तो कोई गलती ही नहीं होगा, हमारी बहू सही नहीं है, क्या है नहीं है, मेरा ये कहना है, वो अपने मुँह से आके बोले तब सब उनका भी सुनेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम दरवाजा बंद कर ले और चोर के तरह हम अंदर घुसे रहे, ये नहीं चाहिए। यही चीज आप लोग कीजिए प्लीज, जो जो मेरा आवाज सुन रहे हैं, मैं ये कह रही हूँ कि नारी सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए और पुरुष के लिए इस्तेमाल करने के लिए नहीं बनी है, उनको इंसान चाहिए। ये नहीं है कि बस नारी के साथ आप मतलब का बात कर लिए, तीन बच्चा पैदा कर लिए, हम यहाँ से साल भर से गायब हो गए, नहीं 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 नहीं, ये तो बहुत गलत बात है। और उनके फादर तो इतने अच्छे लोग हैं, इतने स्कूल के मालिक हैं, उनको तो अपने बच्चे को भी समझाना चाहिए, ये गलत है। हम कह रहे हैं हम भी गलत, हम कह रहे हैं हम सही नहीं है, ये सही नहीं है, हम हो सकते हैं इनकी भी गलती है, लेकिन उस पे वो एक साल के बात करे, उनकी बेटी भी बराबर की है, उनके बच्चे के बराबर की है, इनके साथ बात करे, इनके साथ अच्छे से पेश आए, ये भी समझेगी बेटियां। ये नहीं है कि अपने माँ बाप को ही बाप माँ समझते हैं, उनको तो जो प्यार देते हैं उन्हीं को माँ बाप समझते हैं। लड़कियाँ तो अव्वल होती है, अबला होती है, शुरू से ही पैदा होगा, दूध दूध का ग्लास बेटे को दिया जाएगा, बेटी को रोटी दिया जाएगा, लेकिन हम लोगों ने ये सोचे हैं कि नहीं, हम अब ऐसा नहीं होने देंगे। पीछे पीछे हो जाओ, पीछे पीछे हो जाओ, तो बेटी को और पीछे पीछे, पीछे पीछे थोड़ा पीछे पीछे हो जाओ। पैदा होती है, माँ बाप के ताना सुनना बेटी हो गई, समाज का ताना सुनना कि ये बेटी है, चला फिर बड़ी होती है। अगर कहीं बाहर कहीं पब्लिक देखते हैं फलाना की बेटी कितनी गलत है, जब तीसरी शादी होती है ससुराल जाती है, इतना ताना सुनना, नहीं नहीं बेटी के साथ न्याय होना चाहिए। बेटा तो बेटा है, वो तो गलत काम भी करेगा, आ जाएगा सर उतारेगा, ये बेटा है, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। अब बेटी और बेटा को बराबर की हक देना चाहिए, और ये चीज तो ऑलरेडी मोदी जी ने बोले हैं, फिर हम क्या है, हम कुछ भी नहीं है। मैं यही कहती हूँ कि इनकी सास और ससुर जो भी है बहुत अच्छे इंसान है, हम उन पे भी ब्लेम नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो आए अपनी बहू को अपने बच्चे को अपने घर में ले जाए, घर में जाके अपने फैमिली के मैटर है, और ये नई बस्ती का माहौल ना खराब करे और हर बेटियों पे जुल्म ना करे। कल को जब ये राजधानी पब्लिक वाले ऐसे कर सकते हैं, तो ये नमकीन बेचने वाले सब्जी बेचने वाले क्या इज्जत करेंगे? जब इतने पढ़े लिखे लोग ये काम कर सकते हैं, तो ये जो सब्जी बेच रहे हैं उनको क्या नॉलेज है? वो तो सोचेंगे अरे इतना बड़ा स्कूल वाले अपने बहू को निकाल सकते हैं, तो तू क्या चीज है जा निकल। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि आप लोग जहाँ हो जो भी हो, महिला का सम्मान दिलाइए, महिला को इतना कमजोर मत बनाइए और बेटियों को इतना कमजोर मत बनाइए कि जिंदगी भर वो अपना जन्म से पछताती रहे कि मैं बेटी क्यों हूँ। ये नहीं होना चाहिए, बस मेरा यही कहना है। इनको इंसाफ दिलाइए, इनको अंतर बुलाइए, वो अंतर बुलाए इनको, और जो
अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।